लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महादेव बेटिंग एप्लीकेशन केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर में FIR दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ED की रिपोर्ट पर ACB और EOW ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। भूपेश बघेल के खिलाफ धारा 120B, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किया गया है। 508 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी लेने के मामले में बघेल समेत 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि भूपेश बघेल इस मामले को सियासी करार दे रहे हैं। इस पूरे जो FIR कॉपी है उसमें कहीं मेरा नाम नहीं है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध चलते ये FIR किया गया। महादेव बैटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के करीबी असीम दास को विधानसभा चुनाव के दौरान रायपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था, जिसने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल तक पहुंचाने का दावा भी किया था। इसी आधार पर ये FIR दर्ज की गई है। Zee News.